हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अपडेट्स गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो कोई भी टॉपिक पर नहीं होने वाली है। देखो, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। देखो, मेरे पास बहुत सारे बंदों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करा। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ना कि तुम्हारे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया करो, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए। कम से कम 50 के करीब मेरे पास ऐसे मैसेज आए जिनमें उन्होंने बोला हुआ था कि सर, हमारी वेबसाइट चेक करके बता दो, ये एडसेंस पे अप्रूव क्यों नहीं हो रही। तो मैंने उनकी वेबसाइट्स को चेक करा और मेरे को लगभग मोस्ट ऑफ वेबसाइट में ऐसी ही प्रॉब्लम देखने को मिली। उन्होंने बहुत सारी गलतियां कर रखी है, तो वही गलतियों को मैं फिक्स करना बताऊंगा। देखो क्या गलती उन्होंने कर रखी है, उसकी वजह से भी एडसेंस नहीं हो जाता, एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। उनकी पोस्ट एकदम सही है, उन्होंने पोस्ट एकदम अच्छी तरीके से लिख रखी है और उनका कंटेंट भी एकदम ओरिजिनल है। उन्होंने खुद लिखा है अपना कंटेंट और इतनी डिटेल में लिख रखा है उन्होंने, लेकिन उन मिस्टेक की वजह से एडसेंस उनकी वेबसाइट को अप्रूवल नहीं दे रहा है। तो वही चीज़ मैं तुम्हारे को बताऊंगा क्या मिस्टेक उन्होंने करी है, उसकी वजह से वो एडसेंस अप्रूवल नहीं ले पा रहे हैं। तो वही चीज़ मैं तुम्हारे को बताऊंगा। देखो, तुम मैसेज ना करके इस मिस्टेक को फिक्स करने की कोशिश करो। तुम मैसेज मेरे को कर देते हो कि सर, मेरी वेबसाइट चेक करके बता दो, तो देखो मैं चेक तो करके बता दूंगा, लेकिन तुम्हारी वेबसाइट में यही मिस्टेक होती है, लगभग यही मिस्टेक होती है जो तुम्हारे को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबकी वेबसाइट में मैंने चेक करके देख लिया, वही मिस्टेक मेरे को मिली है। और जितने भी है यूज़र्स, कोई कोई यूज़र्स तो मेरे पास ऐसे भी आया, सर वहाँ पे कैटेगरी कैसे बनाते हैं, जैसे ऊपर हेडर में कैटेगरी बनाते हैं। और एक बंदा तो मेरे पास ऐसे आया कि वो मेरे से पूछ रहा था, सर हेडर क्या होता है। अरे यार, तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो, तुम्हारे को हेडर नहीं पता क्या होता है। देखो, मैंने पूरा ब्लॉगर का कोर्स बनाया हुआ है। देखो, ये हेडर फुटर से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, तुम ब्लॉगिंग में आए हो तो तुम 10 वीडियो जाके देखो, किसी ना किसी में तुम्हारे को कहीं से नॉलेज मिलेगी, तब तुम इसमें आगे बढ़ोगे। और देखो, तुम्हारे को मैंने पूरा कोर्स बना रखा है मैंने वीडियो में, तुम वहाँ से जाके देख सकते हो, अपने पूरे ब्लॉग का सेटअप कर सकते हो फ्री में, मैंने तुम्हारे को बताया हुआ है सब कुछ, तो तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। हेडर फुटर, देखो हेडर में क्या होता है, सिंपल बात है, हेडर मतलब हेड, हेड में जो भी आता है वो हेडर होता है, फुटर मतलब नीचे में जो भी आता है वो फुटर होता है, बस सिंपल बात है। तो ऐसे बंदे ऐसे तो ऐसे मैसेज मत किया करो सर, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। तो तुम्हारे को एक्चुअल में प्रॉब्लम दिखे ना, तो वही मैसेज तुम कर दिया करो, ठीक है। देखो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी वेबसाइट्स में, बहुत सारी मैंने चेक करके रिव्यू करा है, सबकी वेबसाइट में मेरे को एक ही प्रॉब्लम नज़र आई है अभी तक। तो देखो मैं बता देता हूँ तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी वेबसाइट में। पहले हम आ जाते हैं ब्लॉगर पे। देखो, तुम्हारी अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो वर्डप्रेस पे भी सेम प्रोसेस है, तुम्हारे को चेंज कर लेना है, जो जो मैं प्रॉब्लम को बता रहा हूँ वही तुम्हारे को फिक्स कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लॉगर को ओपन कर लेते हैं, वेट करते हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है अभी। तो हमारा ब्लॉगर ओपन हो चुका है, अब मैं तुम्हारे को इसकी वेबसाइट दिखाता हूँ कैसे तरीके से दिख रही है इसकी। तो देखो, हम इसकी वेबसाइट ओपन कर ली, यहाँ से मैंने व्यू ब्लॉग करा तो हम इस वेबसाइट पे आ गए। अब व्यू ब्लॉग पे देखो, सबकी वेबसाइट में मेरे को क्या मिस्टेक देखने को मिली है। सबकी वेबसाइट में पोस्ट अच्छी तरीके से लिखी हुई है, पोस्ट एकदम उन्होंने सही तरीके से लिखी है, लंबी पोस्ट लिखी है और एकदम सही तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने थीम में एडिट करने में गलती करी हुई है। देखो गलती क्या करी हुई है, वो है ना, हमेशा ऊपर हेडर में पॉलिसी पेज नहीं लगाते। देखो, तुम ऊपर में हमेशा पॉलिसी पेज लगाना भूल जाते हो, या फिर ऊपर लगा देते हो, फुटर में पॉलिसी पेज लगाना भूल जाते हो। तो देखो, ये सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी गलती है ये। तुम अगर इस गलती को मिस कर देते हो, इस गलती को इग्नोर मारते हो, तो तुम्हारे को कभी कभी एडसेंस अप्रूवल लेने में भी दिक्कत आ जाती है। कभी तुम सोचते हो ना कि हाँ, मेरी वेबसाइट में तो सब सही है, लेकिन फिर भी अप्रूवल क्यों नहीं हो पा रहा, तो तुम ऐसे मिस्टेक कर देते हो। इसकी वजह से भी कभी कभी एडसेंस तुम्हारे को अप्रूवल नहीं देता है। देखो, तुम्हारे को क्या करना है, हेडर में भी सारे पॉलिसी पेज लगाने हैं और फुटर में भी सारे पॉलिसी पेज लगाने हैं। तो तुम्हारी सब की मैंने चेक करके देखी है, यहाँ पे यही गलती मेरे को लगी है। यहाँ पे तुम देखो क्या करते हो, यहाँ पे हेडर में लगा के छोड़ देते हो, या फिर फुटर में लगा के छोड़ देते हो पॉलिसी पेज।
तुम्हारे को क्या करना है, सारे पॉलिसी पेज तुम को हेडर में भी लगाने हैं और फुटर में भी लगाने हैं। देखो फर्स्ट गलती ये वाली है, सेकंड गलती क्या है यहाँ पे, SSL तुम्हारा यहाँ पे ऑन नहीं होता, HTTPS तुम्हारे को ऑन करना है। अगर तुम्हारे पास, तुम वर्डप्रेस पे काम करते हो तो तुम्हारे को SSL लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे सिक्योर होगा। ये सिक्योर दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स को मैंने चेक करा तो उनके SSL ही नहीं है यहाँ पे। देखो तुम ब्लॉगर यूज़ करते हो तो यहाँ पे तुम्हारे को HTTPS का ऑप्शन मिल जाता है। देखो सेटिंग्स में आओगे तुम, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिल जाता है HTTPS रिडायरेक्ट। तो ये इसको ऑन कर दोगे तुम्हारा ये सिक्योर हो जाएगा। और तुम वर्डप्रेस में करोगे तो वर्डप्रेस में तुम्हारे को SSL लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ये सिक्योर होगा। तो तुम्हारे को ये दो गलती मैंने बता दी है, एक तो पॉलिसी पॉलिसी पेज लगाना है तुम्हारे को हेडर और फुटर में, और तुम्हारे को SSL सिक्योर करना है। अब देखो तीसरी गलती मैं बताता हूँ, तीसरी गलती क्या है, एक बंदे ने ऐसा कर रखा था, ये भी एक गलती है वैसे तो, यहाँ पे ऊपर हेडर में पॉलिसी पेज लगा दिए और उसने फुटर में भी पॉलिसी पेज लगा दिए, लेकिन उसकी वेबसाइट में कैटेगरी भी उसकी सही है, पोस्ट भी एकदम सही है, लेकिन उसकी वेबसाइट में होम पेज कहीं पे दिखाई नहीं मुझे, होम पेज का ऑप्शन है ना कहीं पे दिखाई नहीं मुझे। तो ये भी एक गलती है, तुम्हारे को होम पेज भी लगाना है। ये सारी गलती कहीं ना कहीं मेंशन होती है और कहीं ना कहीं इनको गूगल चेक करता है। ऐसी गलती तुम करते हो तो तुम्हारे को कभी ना कभी तुम्हारे को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, तो तुम्हारे को शायद इसी वजह से नहीं मिल रहा होगा। इन गलती को तुम फिक्स करो और तुम्हारे को एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। देखो मैं फिक्स करना भी बताऊंगा किस तरीके से तुम्हारे को पॉलिसी पेज लगाने हेडर और फुटर में, सब मैं बताऊंगा। और देखो फोर्थ गलती यहाँ पे, अगर तुम कोई भी फ्री थीम यूज़ करते हो तो इसको अभी यहाँ से हटा दो, क्योंकि देखो यहाँ पे ये आ रहा है क्राफ्टेड बाय गोयाबी टेम्पलेट्स, तो क्राफ्टेड बाय टेम्पलेट यार्ड, तो ऐसा अगर तुम्हारी भी आ रहा है तो तुम पेड थीम बाय करो। पेड थीम कहाँ से बाय करना है मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, मैं तुम्हारे को पेड थीम दे दूंगा, तो वहाँ से तुम पेड थीम बाय करो। कभी कभार इसकी वजह से भी, कॉपीराइट की वजह से भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। मैंने बहुत वेबसाइट में, बहुत थीम में देखा है, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है हमारी वेबसाइट को, सिर्फ इस लोगों के कारण, इस लोगों के कारण हमारे को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। तो देखो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारे को पेड थीम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और तुम्हारे को हेडर और फुटर में सेट कर लेना, पॉलिसी पेज SSL सिक्योर करना है और यहाँ पे होम पेज लगाना है, ठीक है। ये कैसे करना है मैं बता देता हूँ। देखो पॉलिसी पेज तुम्हारे को बना लेना है, मैं तुम्हारे को ब्लॉगर में करके बता रहा हूँ, तुम वर्डप्रेस में कर लेना उसी तरीके से, सेम तरीके से होता है। अपेयरेंस में जाओगे तुम, वहाँ पे तुम्हारे को ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ से जाके तुम कर सकते हो। वर्डप्रेस में एकदम सिंपल है, ब्लॉगर में भी एकदम सिंपल है। ब्लॉगर में क्या करना है, देखो तुमने ये पेज बना लिया ना, यहाँ पे पेज बनाना मैंने एक वीडियो में बता रखा है। देखो यहाँ पे तुम्हारे को वीडियो मिल जाएगी, मैं दिखा देता हूँ, पॉलिसी पेज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ये रहे पॉलिसी पेज किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड करना भी बताया हुआ है और यहाँ पे बनाना भी बताया हुआ है, तो ऐड करना मैं फिर से बता देता हूँ। देखो कहाँ से क्या करना है, जैसे इस पेज को तुम्हारे को ओपन करना है, इस पेज को ओपन करने के बाद इसकी लिंक कॉपी करनी है, इस लिंक की लिंक कॉपी करने के तुम्हारे को लेआउट में आ जाना है। लेआउट में तुम्हारे को देखो टॉप नेविगेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, तुम्हारे अलग यहाँ पे लेआउट होगा, तो तुम ढूंढ लेना टॉप नेविगेशन कहाँ पर है, टॉप नेविगेशन पे आ जाना और तुम्हारे को यहाँ पे अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस डिस्क्लेमर का पेज यहाँ से बना लेना है। यहाँ पे टाइप करना है तुम्हारे को डिस्क्लेमर, जो भी तुम्हारे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे टाइप कर लेना डिस्क्लेमर, तो सेम यहाँ पे टाइप कर लेना डिस्क्लेमर और यहाँ पे उसका लिंक दे देना, जैसे मैंने लिंक कॉपी कराया ना यहाँ पे, वो वाला लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना, तो तुम्हारा डिस्क्लेमर का ऐड हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे को चारों पाँचों पेज ऐड कर लेना है। सारे पेज ऐड होने के बाद ये वाला हो गया हमारा हेडर का, इसको बोलते हैं हेडर। देखो जो टॉप में शो करता है उसको बोलते हैं हेडर और जो नीचे शो करता है उसको बोलते हैं फुटर। देखो अब तुम समझ गए होंगे, अब मेरे को ये वाला मैसेज दोबारा मत करना इंस्टाग्राम पर कि हेडर क्या होता है फुटर क्या होता है, तो मैं ये तुम्हारे को बताऊंगा नहीं दोबारा से। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हेडर में सेट कर लिए तुमने, अब हाँ होम पेज अगर तुम्हारे नहीं है तो देखो होम पेज का क्या करना है, होम पेज अगर तुम्हारे नहीं है तो होम पेज को देखो कैसे बनाना है, यहाँ पे होम पेज को टाइप कर देना है तुम्हारे को और इसको हटा देख के यहाँ पे स्लैश लगा देना है, ये तुम्हारा होम पेज बन जाएगा। देखो
होम पेज इस तरीके से बना रखा है मैंने। अगर तुम्हारे नहीं है होम पेज तो इस तरीके से तुम्हारे को बनाना है। अब इसको टॉप पे ले जाओ, तुम ये एरो की मदद से टॉप पे ले जा सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारे को सेट कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है तुम्हारे को फुटर में भी यही काम करना है, सेट करना है इनको फुटर में, सेट करना है। तो फुटर में आ जाता है, हम सबसे नीचे आ जाता है हमारा फुटर। देखो फुटर में दिख गया तुम्हारे को फुटर विजिट्स, तो यहाँ पे तुम्हारे को आ जाना है। फुटर्स में भी वही ऑप्शन मिल जाएंगे, सेम ऑप्शन है ऐड करने का, यहाँ से तुम सेम ऐड कर सकते हो। और फुटर में भी तुम्हारे को होम का ऑप्शन देना है, ठीक है। होम का पेज तुम्हारे को फुटर में भी देना है, हेडर में भी देना है और कैटेगरी में भी देना है, ठीक है। ऐसे तुम्हारे को करना है। और देखो कैटेगरी कहाँ से सेट करनी है, कैटेगरी यहाँ पे आती है मेन मेन्यू का ऑप्शन। देखो मेन मेन्यू का ऑप्शन होगा तुम्हारे पास भी, यहाँ से तुम अपनी कैटेगरी बना सकते हो। कैटेगरी कैसे बनाते हैं, जो लेबल्स तुम डिसाइड करते हो उनकी लिंक यहाँ पे कॉपी करके वही कैटेगरी तुम बना सकते हो। इस तरीके से तुम्हारे को कैटेगरी बनानी है, इस तरीके से तुम्हारे को हेडर में पॉलिसी पेज सेट करने हैं और फुटर में पॉलिसी पेज सेट करने हैं। और HTTPS का मैंने तुम्हें बता ही दिया, अगर तुम ब्लॉगर यूज़ करते हो तो तुम्हारे को यहाँ पे सब फ्री मिल जाता है। देखो सेटिंग्स में आ जाते हैं हम, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे तुम्हारे को देखो HTTPS रिडायरेक्ट, तुम्हारे को ये ऑन कर लेना है, तुम्हारा ये सिक्योर हो जाएगा। लॉक दिख रहा है ना अभी, तो ये सिक्योर हो जाएगा। अगर मैं इसको वापस से ऑफ कर देता हूँ तो ये अनसिक्योर हो जाएगा, ये अनलॉक हो जाएगा। और तुम देखो वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो यहाँ पे तुम्हारे को SSL लेना पड़ेगा। तुम SSL लोगे तो ये अपने आप सिक्योर हो जाएगा, तुम ऐड करोगे जब भी वर्डप्रेस है तो अपने आप सिक्योर हो जाएगा। देखो वर्डप्रेस में भी पॉलिसी पेज इसी तरीके से लगाना तुम्हारे को, हेडर में फुटर में। और देखो ये चीज़, इसको तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारे को पेड थीम दे दूंगा। इसको तुम हटाने की कोशिश करना, अगर तुम्हारे टेम्पलेट में ऐसा है तो तुम हटाने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे को अपना सेटअप करना है। अब मैं तुम्हारे को ये वाली गलतियाँ बार बार नहीं बताऊंगा, जब भी किसी को प्रॉब्लम होगी ऐसी, मैं किसी की वेबसाइट पे चेक करूंगा तो मैं उसको यही वीडियो सेंड कर दूंगा, तुम इस वीडियो को देख के ऐसे सेटअप कर लेना। और यही गलती मेरे को ज़्यादातर वेबसाइट में दिखी है, तो मैंने इस पे वीडियो बनाना सही समझा है, तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। तुम ये वाली गलती को फिक्स कर लेना। देखो तुम्हारे को पोस्ट लिखना नहीं आती है एडसेंस के अप्रूवल के लिए, मतलब एडसेंस के अप्रूवल से लेने के पहले कैसी पोस्ट हमारे को लिखनी चाहिए तब जाके हमारे को जल्दी से एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। तो मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाए रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके तुम डाउनलोड कर सकते, वहाँ से जाके तुम देख सकते हो। और ये वाली चीज़ मैंने बता दी है, ये वाली चीज़ मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखी है, बहुत सारे वेबसाइट्स मैंने चेक करी है, तब मेरे को ये वाली मिस्टेक पता लग गई है और मैं तुम्हारे को ये वाली मिस्टेक बता रहा हूँ। तो तुम ये वाली मिस्टेक सही कर लेना, इसकी वजह से भी, क्योंकि कोई कोई मेरे को आके बोलता है कि सर हमारा 1 साल से अप्रूवल नहीं हो रहा, तो शायद तुम्हारा इसी वजह से अप्रूवल नहीं हो रहा। तुम इस मिस्टेक को सही करके देखो और फिर रिव्यू पर डालो तो अप्रूव शायद हो जाएगा। तो यही काम करना है तुम्हारे को अप्रूवल लेने के लिए, तुम हर को इन 3 4 मिस्टेक को सही कर लेना है और फिर अप्रूवल पे डालना है। देखो जिनकी पोस्ट सही है एकदम, तुम जिनको लगता है ना कि मैं खुद से सही लिख रहा हूँ और मेरी एक पोस्ट एकदम सही है, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं है, कहीं पर भी मैंने ऐसी गलतियाँ नहीं करी, तो तुम्हारी गलतियाँ इनमें देखना। अगर इनमें तुम्हारी कोई गलतियाँ दिखती है तो उनको फिक्स करके फिर से रिव्यू पर डाल देना। तो देखो यही सही तरीका है ऐसी गलतियों को ढूंढना। तो मैं बार बार तुम्हें बताने से अच्छा है इसलिए मैंने वीडियो बना दी। तो तुम अब कर लेना अपनी वेबसाइट में, तुम्हें अगर मिस्टेक दिख रही तो इस तरीके से कर लेना, इन मिस्टेक्स को फिक्स कर लेना, फिर रिव्यू पर डाल देना। देखो तुम्हें अगर होस्टिंग चाहिए तो मैं बता देता हूँ होस्टिंग। देखो तुम ब्लॉगर पे परमानेंट काम नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे को प्रोफेशनल काम करना है तो तुम्हारे को होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो देखो दो होस्टिंग है मेरे पास, अगर जिसका बजट नहीं है उसके लिए भी मेरे पास होस्टिंग है, और जो साल भर की लेना चाहता है उसके लिए भी मेरे पास होस्टिंग है। देखो पहले मैं साल भर वाली के लिए बता देता हूँ। हम टाइप करते हैं ब्लू होस्ट गूगल पे। देखो ब्लू होस्ट क्या करता है, आपको साल भर की होस्टिंग देता है और यहाँ पे अच्छी होस्टिंग मिल जाती है तुम्हें 279 और 279। देखो तुम्हारे को कभी ना कभी वर्डप्रेस पे तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा, तो तुम अगर 1 महीने बाद लेने की सोचो होस्टिंग तो अभी लेके रख लो, क्योंकि होस्टिंग तो तुम्हारे काम आएगी, तो तुम होस्टिंग लेके रख लो। तो देखो यहाँ पे 279 पर मंथ में यहाँ पे मिल रही होस्टिंग, और 279 दोनों प्लान सेम है, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि ये वाला प्लान थोड़ा सस्ते में रिन्यू हो जाएगा और ये वाला प्लान थोड़े महंगे में रिन्यू हो जाएगा। और यहाँ पे रिकमेंडेड ये ही वाली है, अगर तुम मेरे लिंक से बाय करते हो ये वाली होस्टिंग तो तुम्हारे को
जहाँ पे ये इसका सब टोटल जाता है पर ईयर का 5 से 6 हज़ार रुपये। तुम मेरे लिंक से बाय करोगे तो तुम्हारे को 3 या 4 हज़ार में पड़ जाएगी आराम से। 36 महीने के लिए तुम्हारे को बाय करनी होती है ये वाली होस्टिंग। तो तुम देखो, होस्टिंग लोगे तो हमेशा तुम लॉन्ग टर्म के लिए लोगे, शॉर्ट टर्म के लिए तो लोगे नहीं। तो तुम यहाँ से बाय कर सकते हो अगर तुम्हारे को पर ईयर की होस्टिंग लेनी है तो। देखो, अगर तुम्हारा बजट नहीं है, वैसे तुम्हारे को अगर होस्टिंग लेनी है तो तुम यहाँ से पर ईयर की बाय कर सकते हो। और देखो, तुम्हारा बजट नहीं है तो तुम्हारे को एक और वेबसाइट में बताता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट है, होस्ट गोस्ट। तुम टाइप करोगे गूगल पे तो होस्ट गो डॉट इन पे तुम चल जाना। यहाँ पे तुम आ जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे को मयूर होस्ट के नाम से एक होस्टिंग दिख जाएगी। तो यहाँ पे होस्ट कोर्स की वेबसाइट पे तुम आ जाओगे। यहाँ पे मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। तो यहाँ पे तुम महीने के हिसाब से होस्टिंग ले सकते हो। जैसे तुम्हारे को 3 महीने के लिए चाहिए, 3 6 महीने के लिए चाहिए तो तुम यहाँ से ले सकते हो अगर तुम्हारा बजट नहीं है तो। क्योंकि एक बार में कोई 5 6 हज़ार की होस्टिंग बाय नहीं करता जल्दी से। हमने ये वाला ऑप्शन भी रखा है तुम्हारे लिए। देखो, यहाँ पे 129 पर मंथ में होस्टिंग मिल जाती है। इसका सब टोटल जाता है 600 रुपये के करीब। और तुम मेरा कोड इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे को 400 रुपये में पड़ जाएगी। देखो, कोड इस वीडियो में मिल जाएगा तुम्हारे को। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देख लो और तुम कोड लगा सकते हो। इस वीडियो में मेरा कोड बताया हुआ, तुम्हारे को यहाँ पे फ्री डॉट एक्सपायर डोमेन भी मिल जाता है। तो ये वाली 129 पर मंथ यहाँ पे मिल जाती है। तुम 3 महीने के लिए बाय करते हो तो तुम्हारे को एक डोमेन फ्री मिल जाता है डॉट एक्स वाई जेड। और तुम मेरे कोड से लगाओगे तो तुम्हारे को यहाँ पे 400 रुपये में 3 महीने के लिए पड़ जाएगी। उससे ऊपर जाते हो तो तुम्हारे को यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट रन करवा सकते हो। लेकिन ये वाली वेबसाइट ये वाला ये लेकिन ये वाली होस्टिंग तुम्हारे को 6 महीने के लिए लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे डॉट इन डोमेन फ्री आ जाता है, मेरा कोड लग जाएगा और पैसे यहाँ पे लेस हो जाएंगे। सेम यहीं पर ही है, यहाँ पे तुम्हारे को अनलिमिटेड होस्ट, अनलिमिटेड सब मिल जाता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड ईमेल, अनलिमिटेड वेबसाइट रन करवा सकते हो तुम यहाँ पे। और यहाँ पे तुम 6 महीने के लिए लोगे तो तुम्हारे को डॉट कॉम डोमेन फ्री पड़ जाएगा। और मेरे कोड से लोगे तो तुम्हारे को और सस्ता पड़ जाएगा। तो तुम होस्टिंग यहाँ से ले सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए दोनों वेबसाइट यहाँ पे रखी है। तुम चाहे तो अगर साल भर की लेना चाहो तो तुम इस वेबसाइट से ले सकते हो। इस वेबसाइट में मेरा लिंक लगेगा, जिससे तुम्हारी और भी डिस्काउंट जिससे तुम्हारे को और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसमें मेरा कोड लगेगा। जिससे इस वाली वेबसाइट में मेरा कोड लगेगा वो तुम्हारे को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वेब होस्टिंग, चीप वेब होस्टिंग पे ये वाली वीडियो है, इसमें मेरा कोड है। तो ये वाला कोड इस वीडियो में देख के तुम लगा लेना और तुम्हारे को वो सस्ते में यहाँ पे होस्टिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे तुम्हारे को लिंक से बाय कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बाय कर लेना, तुम्हारे को और भी सस्ते में यहाँ पे पड़ जाएगा। तो दोनों वेबसाइट के बारे में मैंने तुम्हारे को बता दिया है। तुम यहाँ से कहीं से भी होस्टिंग ले सकते हो। देखो, तुम परमानेंट ब्लॉगर पे काम नहीं कर सकते, तुम्हारे को प्रोफेशनल काम करना है तो तुम्हारे को होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो तुम यहाँ से ले सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए दोनों वेबसाइट इसलिए रखी है क्योंकि कोई कोई सब्सक्राइबर्स का मेरे पर मैसेज आता है तो उनका बजट नहीं होता है, इसलिए मैंने सेकेंड वेबसाइट भी रखी है। तो तुम वहाँ से भी बाय कर सकते हो। मैंने तुम्हारे को मिस्टेक्स बता दिए, उन मिस्टेक्स को फिक्स कर लेना तो तुम्हारे को एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा। देखो, अभी तुम्हारे को मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ कम लग रहे होंगे क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। मेरा पहले वाला चैनल हैक हो गया था तो वो डिलीट हो गया, तो उस चैनल की हम बात नहीं करते हैं। अगर तुम्हारे को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सुनो, देखो, हम 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे 1 महीने के अंदर तो हम 2 होस्टिंग यहाँ पे 2 विनर्स को फ्री में देंगे। हम एक गेम प्ले रखेंगे, हम 2 होस्टिंग का गिव अवे करेंगे। देखो, जो अनलिमिटेड वाली है, यहाँ पे अनलिमिटेड सर्विसेज यहाँ पे मिल रही है। ये वाली 2 होस्टिंग तुम्हें भी पता है साल भर का इनका प्राइस कितना जाता है, 10 हज़ार रुपये तक। लेकिन हम यहाँ पे गिव अवे करेंगे 2 विनर्स को। तो तुम जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कोशिश तो तुम जल्दी से कोशिश करो कि हमारे जल्दी से 1K सब्सक्राइबर हो जाए। तो हम जल्दी से जल्दी न्यू न्यू गिव अवे करते रहें। पहले हम होस्टिंग का गिव अवे करेंगे जिनके साथ तुम्हारे को डॉट कॉम डोमेन एकदम फ्री मिल जाएंगे। उसके बाद हम और टारगेट रखेंगे 10K का, फिर और गिव अवे करेंगे। तो तुम जल्दी से कोशिश करो कि हमारे 1K हो जाए और हम जल्दी से गेम प्ले निकालें और विनर्स को डिसाइड करें। तो तुम कोशिश करो कि 1 महीने के अंदर हमारे 1K हो जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तुम इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लेना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, कंटेंट अच्छा है तो तुम्हारे को सब्सक्राइब करना बनता है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।